देखना भाई किसी का प्रेम खराब नहीं है। रेडी क्या कहना चाहेंगी, किस तरह का आपका रोल है और आज जो ऑन लोकेशन शूट हो रहा है उसमें किस तरह का क्या रोल आप करने चाहिए? वैसे तो आज के लिए एक सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा है, बहुत रोमांटिक टाइप का सॉन्ग है, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो इसमें रोल है वो एक सेक्सी सी स्मार्ट सी लड़की का है जो विकास जी के साथ में है, बस अभी वही है। जब ये प्रोजेक्ट आपके पास में आया तो क्या इस चीज़ आपको अच्छी लगी कि आपको लगा कि ये फिल्म करना चाहिए? जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास में आया तो मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ अच्छा था, मतलब स्टोरी बहुत अच्छी थी, एक सस्पेंस थ्रिलर जो है इसमें स्टोरी है, और मुझे इस टाइप की जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही एक अलग हटके है, एक आपका जो मेरा जोन है उससे एक अलग हटके इसमें मेरा किरदार है, तो इसलिए मैंने इस स्टोरी को काफ़ी पसंद किया। इसके अलावा काफ़ी एक्शन टाइप फिल्म कही जा रही है, उसमें क्या आपके भी कोई दृश्य देखने को मिलेंगे एक्शन करते हुए? इसके लिए मैं थोड़ा सस्पेंस आप लोगों को दूंगी, वो आपको मूवी देखने पे ही पता लगेगा। तो लटके झटके लगाए देंगे आपके? हाँ, और एक आपके मुंह से निकलने वाला है वाओ। भाई आज का क्या सीन है आपका, किस तरह का आज का सीन है? इस टाइप से कि होता ना कि ग्लैमर आज के जो भी है सीन से उसके अकॉर्डिंग हम एक ग्लैमर को ज़्यादा एक हाइप देंगे। इसके अलावा आने वाले दिनों में और किस तरह की फिल्में आप करना चाहेंगी या और कौन-कौन सी फिल्में आप करना चाहेंगी? जैसा कि मैं हरियाणा से हूँ तो मैं चाहूँगी कि मुझे हरियाणा टाइप की थोड़ी एक बोल्ड वाली लाइक द दंगल इस टाइप की फिल्म्स मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं अगर वो मुझे मिलती है तो मैं बहुत एक अच्छा फील करूँगी, मैं चाहती हूँ कि मैं उस टाइप की फिल्में करूँ। तो आपने हरियाणवी फिल्म या सॉन्ग्स वगैरह आपने किए? नहीं, मैंने कभी उसमें ट्राई नहीं किया, बट मेरा फर्स्ट जो था वो यही था बॉलीवुड। अच्छा, बिग बॉस में जो बाबा जी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं जानता था ये क्वेश्चन आने वाला है काफ़ी जगह, मैं मतलब आई हैव बीन स्पीकिंग ऑन दिस। देखिए ये हर एक का व्यक्तिगत नज़रिया है इस बारे में, मैं पर्सनली सोचता हूँ कि हमारे हिंदू बिलीव्स के साथ, आई मीन इट्स उन्होंने वो कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं, सीधी सी बात है, आई मीन दे आर जस्ट क्रिएटिंग हाइप, और इसमें आप लोगों का भी कुछ हाथ है, मतलब मीडिया वालों का भी हाथ है, और ये ओम हमारे हिंदू धर्म को गलत नज़रिए से पेश कर रहे हैं। जिस तरह से इतना कॉन्फिडेंस के साथ में वो टीवी चैनल्स पे और अपनी बात रखते हैं तो कितने सच्चे हैं? बिल्कुल भी सच्चे नहीं है, और आप अगर उनके हर इंटरव्यू में देखिए वो कुछ झूठ ही बोलते हैं, कभी वो सोनिया गांधी के पीछे पड़ते हैं, कभी सलमान खान के पीछे पड़ते हैं, कभी वो हमेशा सिर्फ झूठ और झूठ और कुछ नहीं, कोरी बकवास। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे विकास के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि बाय नेचर वो बड़े शरारती लगते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि आप लोगों को वो नॉटी टाइप लगते हो, बट बहुत सिंसियर है और काम को लेके बहुत ही एक होता है ना पैशन उनमें बहुत अच्छा है, और इनके साथ काम करके मुझे बहुत बहुत अच्छा फील भी हुआ, और होप सो आज का टाइम भी बहुत अच्छा लगेगा। आज कुछ अलग है। नहीं, मॉडलिंग के थ्रू तो हम लोग नहीं मिले, हम लोग एक्टिंग के करियर में ही हम लोगों की मुलाकात हुई है। नहीं, सी इज़ वेरी सिंसियर एंड काफ़ी फोकस्ड है। आप बताओ, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, जी तो कितना डिफिकल्ट होता है, क्या आपके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, या फिर क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि हीरोइन बहुत परेशान करती है? नहीं, ऐसा अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है, सी इज़ वेरी सिंसियर एंड वेरी मतलब काफ़ी फोकस्ड है अपने काम पर, तो अभी तक तो कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है। ये इतनी सारी जिम्मेदारी डायरेक्टर की भी, एक्टिंग भी कर रहे हैं आप, जी कितनी कठिन है? हाँ कठिन है, बट इसलिए काफ़ी होमवर्क किया मैंने काफ़ी, और हर किसी कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं या उसके लिए काफ़ी टाइम देकर प्रिपेयर करके एंड देन आई कम लाइफ। थैंक यू। Thank you.